इंडियन नेशनल लोकदल ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सिरसा के मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी को छोड़कर सभी नए चेहरे मैदान में उतारे गए हैं। रोड़ी को दोबारा टिकट दिया गया है। वहीं अम्बाला सीट से रामपाल वाल्मीकि, करनाल से धर्मवीर पाडा, सोनीपत से सुरेंद्र चिकारा, हिसार से सुरेश कोत, फरीदाबाद से महेंद्र सिंह चौहान उम्मीदवार हैं। इनेलो ने रोहतक, गुड़गांव, भिवानी और कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। हमने फिर से पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी राय करी, पार्टी के नेताओं से भी राय करी, सबका एक ही मत था कि हमें फिर से सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी को सरसा से पार्टी का प्रत्याशी बनाना। जहां हमने सरसा से उनको अपना पार्टी का प्रत्याशी बनाया, वही अम्बाड़ा की जो सीट है, अम्बाड़ा से भी हमने पार्टी के साधारण कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया। हमारा जो डिप्टी मेयर रहे यमुनानगर के, पूर्व में रामपाल, जो रामपाल वाल्मीकि, जो पहले 4 बार पार्षद रह चुके हैं, 1 बार वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, 1 बार डिप्टी मेयर रह चुके हैं, हमने उनको अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। सब हमने अम्बाड़ा के साथियों से भी विचार विमर्श किया, अम्बाड़ा के साथ साथ यमुनानगर के सब साथियों से विचार विमर्श किया, पंचकुला के सारे साथियों से विचार विमर्श किया। हमने जहाँ पंचकुला के हमारे जिला के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम प्रदीप जी से सारी बातें करी, वहीं अम्बाड़ा के शिषपाल झंडेरी जी हमारे जो प्रधान है उनसे, सारे वहाँ के हल्का के अध्यक्ष उनसे भी बात करी, अम्बाड़ा के अपने यमुनानगर के जिला के अध्यक्ष और दूसरे जो साथी उन सबसे विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया कि रामपाल वाल्मीकि को यहाँ से अपना प्रत्याशी बना करके चुनाव मैदान में लिया जाए। वहीं उसके साथ साथ करनाल जो लोकसभा क्षेत्र है, उस करनाल लोकसभा क्षेत्र से भी पार्टी के सारे साथियों से हमने विचार विमर्श करके फैसला लिया। हमारे पार्टी के असंध विधानसभा क्षेत्र के हल्का के अध्यक्ष हैं, उनके फादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं और चौधरी देवीलाल के साथ उन्होंने राजनीतिक तौर पे जास्करिया होकर के पार्टी और संगठन को मजबूत किया। वहीं सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी उनका एक बहुत बड़ा नाम है और खुद जो है धर्मवीर पाड़ा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, तो स्वयं भी समाज सेवी भी हैं, स्वयं समाज सेवी हैं और उसके साथ साथ उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने में पार्टी की तरफ से जो जिम्मेवारी उनको दी गई है उस जिम्मेवारी को उन्होंने हमेशा बेखूबी रूप से निभाने का काम किया। पाडा गांव है, धर्मवीर नाम है उनका। सोनीपत से समाज सेवी भी है और हमारी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के कार्यकारी प्रधान है, युवा साथी है और हमेशा उन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूत करने में जिम्मेदारी निभाई है। सारे सोनीपत के साथियों से हमने विचार विमर्श के बाद फैसला लिया कि श्री सुरेंद्र चिकारा जी जो है उनको हमने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। हिसार की सीट को बड़ा हॉट सीट माना जाता है और हिसार की सीट को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सब लोगों की आती है कि हिसार में अब की बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, जहां कुछ लोगों का राजनीतिक अतिस्तर दाव पे लगा हुआ, जहां कई सरवाइव करने की कोशिश में है, जिनका विक्टम 100% इस चुनाव में पक्का है। वहीं हमने अपने पार्टी के सारे साथियों से विचार विमर्श किया, एक ऐसे साथी को, एक साधारण कार्यकर्ता को हमने फिर चुनाव मैदान में लाने का काम किया है, जो लगातार किसान संगठन के साथ जुड़ा है, जिसने अपने पढ़ाई के जीवन से राजनीति शुरू करके किसान संगठन में काम किया और किसान की कोई भी दिक्कत आई, चाहे उसकी फसल को लेकर के आई,
चाहे उसके जमीन के मुआवजे को लेकर के आई, चाहे कोई फसल खराब होने की वजह से ओलावृष्टि से कोई सूखा पड़ने से किसान को धरना देना पड़ा उसके लिए, और चाहे किसान के ऊपर सरकार ने कम भाव दे करके लूटने की कोशिश की उस वक्त में, और उसके साथ साथ पूरे प्रदेश भर के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन जब चल रहा था तो बड़ी सक्रिय भूमिका निभाने वाले हमारी पार्टी के पुराने साथी हैं सुरेश खोत, खोत खोत गांव है उनका, सुरेश खोत। हमने किसान का प्रतिनिधित्व कर के लोकसभा में जाकर के इसके लिए फैसला दिया कि किसानों के समस्याओं को समझने वाली व्यक्ति को भी अब की बार हमें चुनाव मैदान में उतारना चाहिए, ताकि ऐसे लोग अगर विधान लोकसभा में चुन करके जाएंगे तो 100% मान के चलो, क्योंकि वो किसान की छोटी से छोटी समस्या को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने उन समस्याओं के साथ जूझने का काम किया, उन्होंने उनके लिए लड़ने का काम किया। इसके लिए सब इशार के साथ ही आज हमारे यहाँ आए हुए हैं। पहले भी हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाके चर्चा करी है और सबकी एक ही राय बनी कि इन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाए, ताकि किसानों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में हो। उसके साथ साथ फरीदाबाद से हमारे पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, वो भी समाज सेवी भी है, श्री महेंद्र सिंह चौहान जो है। हमने अपने फरीदाबाद के सब लोगों से, पलवल के सब साथियों से विचार विमर्श के बाद फैसला किया कि अब की बार महेंद्र सिंह चौहान को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाए। चार जो शेष सीटें हैं, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के साथ रोहतक है, महेंद्रगढ़ है और गुड़गामा है, इन चारों सीटों के ऊपर हम एक बार फिर परसों चौटाला साहब से मिलेंगे और मिलकर के उनसे फिर दोबारा चर्चा करनी चाहिए, और दोबारा चर्चा करके अशोक अरोड़ा जी रामपाल बाजरा जी की जिम्मेदारी लगाएंगे कि दोनों जाकर के उनसे मिलेंगे और ये उनसे दोबारा विचार विमर्श करके परसों के दिन उन चारों सीटों की घोषणा भी एक साथ करने का काम करेंगे। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।